सो गाइस कैसे हैं आप लोग। और गाइस आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्पेक्ट T1 के बारे में, यानी कि IQ Z6 के बारे में। और IQ Z6 क्यों है सस्ता T1 गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं, उसका रीजन मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं। और गाइस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर हैं तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा है उसे जल्दी से जाके प्रेस कर, ताकि वो आपका रेड कलर से ग्रे कलर का हो जाए और आप लोग हमारी इस प्यारी सी टेक फैमिली का मेंबर बन सके और आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे इस टाइप के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज न्यूश एंड यू आर वॉचिंग टेक विद न्यूश। तो गाइस फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो मैं इसे एक बार एक फटाफट ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस फोन की लुक वगैरह कैसी है। और डब्बे की डिजाइन देख रहे हो, बिल्कुल अजीब सी है, कोई डब्बे का सर पैर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा इसके बीच में मुझे, यहाँ पर बिल्कुल ही डिजाइन डिफरेंट है। और ये है हमारा सस्ता T1, इसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये है आप लोगों का सस्ता T1, आप लोग देख सकते हो। ओ सॉरी, मेरे हाथ में है रियली का T1। आप लोगों को जज भी नहीं हुआ होगा कि मेरे पास रियली में T1 है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और मैं यहां से विवो जो है इसका हटा देता हूं और ये बन जाएगा आपका IQ। तो भाई नीचे की तरफ जो विवो की बैजिंग आ रही है यही इसमें चेंजेस है बस, उसके अलावा कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जस्ट फन, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ये रब होने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं आपके IQ के बारे में। और गाइस ये है आपका IQ Z6। डिजाइन वाइज दोनों फोन एक जैसे ही हैं, आप लोग देख सकते हो, कोई भी चेंजेस इन दोनों फोन्स के अंदर आपको नहीं दिखने को मिल रहा। मतलब तब मैंने बोला है कि ये जो फोन है आपका ये सस्ता T1 होने वाला है, क्योंकि सेम प्रोसेसर गाइस आपको मिलता है, सेम डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलता है, सेम डिस्प्ले साइज मिलता है, इवन दोनों फोन का कवर भी एक ही है और कोई भी डिजाइन में फर्क नहीं है किसी तरह का भी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी आप बनाओ, कुछ भी आप बेचो, एक ही फोन को आप 3 बार सेल कर रहे हो। कैसे? T1 एक नाम से, सेकंड G6 के नाम से और थर्ड Y75 के नाम से। गाइज आप लोग ये फोन भी दे सकते हो, इसकी जो लुक है ना गाइज वो बिल्कुल सेम है, आप लोग देख सकते हो। इसे मैं नहीं ओपन कर रहा, अब मैं बार बार क्या आपको सारे फोन ओपन करके दिखाऊं। ये भी आप लोगों का जो बिल्कुल सेम है, आप लोग जाके नेट पे चेक भी कर लेना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि बस उसके आपको प्रोसेसर में यहाँ डिफरेंस मिलने वाला है, ये ऑफलाइन मॉडल होने वाला है। ये जो फोन है आपको Y75, ये आपको मीडियाटेक के 700 के साथ मिलता है और ये ऑफलाइन मार्केट का फोन आता है। उसके बाद ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं आपके ऑनलाइन मार्केट के प्रोडक्ट हैं, बट उसमें से वीवो का जो T1 है ये कहीं कहीं आपको ऑफलाइन भी देखने के लिए मिलने वाला है। बट जो IQ Z6 है ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में ही है, अभी ये ऑफलाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो फिलहाल बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है और फोन की डिटेलिंग आपकी कैसी है। तो गाइस जैसे कि मैंने बॉक्स ओपन कर ही दिया था आपके सामने और एक बार इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि फटाफट से इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे कोई भी की देखने के लिए नहीं मिलती, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं फोन में नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 3.5 जैक देखने को मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे माइक मिलता है, USB Type-C पोर्ट मिलेगी और एक यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी माइक भी देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और एक यहाँ पे आपको IQ का जो बैजिंग है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो वैसे अगर मैं इसको T1 से थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ तो वीवो के जो ब्रांडिंग है उसका तो आपको डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको IQ मिलेगा और वहाँ पे आपको वीवो देखने के लिए मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो कैमरा है कैमरे में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा की बैजिंग मिलेगी और यहाँ पे आपको AI कैमरा की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। ये जो मेन इनका बैक साइड में डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है गाइस। उसके अलावा बैक में आपको यहाँ पे ब्रांड के अलावा और कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला, सेम एज इट इज 5G फ्लैश कैमरा सेटअप सब कुछ सेम मिलने वाला है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो AI कैमरे की बैजिंग और यहाँ पे ट्रिपल कैमरा की बैजिंग अलग अलग देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि लुक में और की डिटेलिंग में T1 में और IQ Z6 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी टोटली आपको T1 वाली ही यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आपको जो IQ के Z6 में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.58 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, जो कि आती है आपकी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और परफॉर्मेंस वाइज गाइस IQ Z6 होने वाला है आपका बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, जो कि आपका वर्किंग करता है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि आपको यहाँ पे सेम T1 वाली स्पेसिफिकेशन ही देखने के लिए मिल जाती है गाइस। तो इसके अलावा गाइस अगर हम इसको यहाँ पे T1 से कंपेयर करते हैं तो T1 में और आपके IQ Z6 के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वो ये है कि इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड
12 देखने के लिए मिल जाता है IQ 66 के अंदर, और ये आता है आपका फन टच OS 12 के साथ। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आपके T1 की, तो T1 आता है आपका Android 11 के साथ। जो T1 है वो आपका फेब मंथ में लॉन्च हुआ था, और IQ 66 है जो आपका ये सी मार्च मंथ में लॉन्च हुआ है। तो इस वजह से IQ 66 आता है आपका Android 12 के साथ। और परफॉर्मेंस के साथ गाइज यहाँ पे आपको GPU भी जो है वो 619 मिल जाता है, यानी कि सेम T1 वाला ही आपको यहाँ पे GPU देखने के लिए मिल जाता है IQ K G6 में, यानी कि Vivo IQ G6, जो भी मर्जी बोल सकते हो आप। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल तुफंगतुल गुफ्तगुल लुत्फतुल हुसैन है। क्या? अब्दुल तुफंगतुल गुफ्तगुल लुत्फतुल हुसैन। बाकी किधर है ये, बाकी लोग किधर है? गाइस मैं आपको यहाँ पे सेम T1 की तरह ही जो है तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है 4GB 128GB के साथ, सेकंड वेरिएंट आता है आपका 6GB 128GB के साथ, और थर्ड जो वेरिएंट आता है लास्ट इसका आता है 8GB 128GB के साथ। और गाइज यहाँ पे जो तीनों वेरिएंट है वो सेम आपके जो है रैम एक्सपेंशन के फीचर के साथ आती हैं। यहाँ पे जो मेरे पास ये वेरिएंट है ये आपका 4GB 128GB वाले वेरिएंट है, और इसमें सबसे छोटा वेरिएंट जो मैंने परचेस किया आप लोगों के लिए 15,499 गाइज इसका प्राइस है। ये आपके T1 से 500 कम आता है, इस वजह से मैंने इसे सस्ता T1 बोला है गाइज, क्योंकि सेम मॉडल आपको 500 कम मिल जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग हटा के IQ की ब्रांडिंग मिल जाती है, और एक थोड़े से आपको लिटिल बिट चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस के अलावा गाइज कैमरा भी एक मेजर फैक्टर होता है एक फोन के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलने वाला है वो मेन कैमरा आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का, जिसकी FLV होने वाली है 1.8। उसके अलावा गाइस आपको यहां पे 22 मेगापिक्सल के और दो कैमरे मिलने वाले हैं छोटे-छोटे, जिनकी FLV होने वाली है 2.4। एक आपको मिलने वाला है यहां पे डेप्थ कैमरा, और एक आपको मिलने वाला है माइक्रो कैमरा। दोनों ही कैमरे आपको 22 मेगापिक्सल के मिलने वाले हैं छोटे-छोटे। अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की IQ K G6 की, तो फ्रंट कैमरे में आपको यहां पे 16 मेगापिक्सल का मेन फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, जिसकी FLV होने वाली है आपकी 2.0। और उसके अलावा आपको यहां पे जो बैटरी मिलती है वो मिलती है आपको यहां पे 5000mAh की बैटरी, जो कि आती है आपकी 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। यानी बॉक्स के अंदर आपको अगेन वही T1 वाला 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बैटरी भी आपको यहां पे सेम ही मिलने वाली है। तो गाइस मोटा मोटा यहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फोन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है, थोड़ा सा डिजाइनिंग का डिफरेंस है आपको यहां पे मिलता है बैक साइड से, और एक आपका एंड्रॉइड वर्जन का डिफरेंस है गाइस यहां पे। तो गाइस ये जो फोन है बहुत ही बढ़िया प्राइस के साथ आपको यहां पे मिल रहा है, और गाइस ये मिल रहा है आपको 15,500 के प्राइस में। एक 5G फोन आपको मिल रहा है, 695 प्रोसेसर आपको यहां पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस इस प्राइस सेगमेंट में रेडमी और रियलमी जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं 4.64 या फिर 6.64 इस प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ पे Vivo और IQ आपको T1 में और Z6 में आपको 4GB 128GB दे रहे हैं 695 प्रोसेसर के साथ, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है 695 प्रोसेसर, जो कि आपके MediaTek के A10 से ज्यादा बेटर है परफॉर्मेंस वाइज। आपको वहां पे Redmi और Realme जो है इस बार A10 दे रहे हैं, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि Vivo ने आपको यहाँ पे T1 में और IQ के थ्रू आपको Z6 में यहाँ पे 695 प्रोसेसर दे दिया है। तो इस बात के लिए Vivo के लिए और वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता ही है। तो हम लोग जल्दी कंपैरिजन करने वाले हैं IQ के Z6 का Realme के 9 के साथ, लास्ट वीडियो वाले Realme 9 के साथ जो 5G वाला इनका वेरिएंट है, और जल्दी ही हम लोग इसका कंपैरिजन भी करने वाले हैं Redmi के Note 11 T के साथ, क्योंकि गाइस ये दोनों ही जो फोन हैं वो इस फोन के प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो इन तीनों का जो कंपटीशन तो बनता ही है, कैमरे का, डिस्प्ले का, फीचर्स का और परफॉर्मेंस का। और उसके अलावा गाइज मैं यहाँ पे इसको T1 के साथ कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज इन दोनों फोन्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इनका कोई कंपैरिजन करने का मीनिंग बनता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने यहाँ पे अपने जो कपड़े हैं वो चेंज किए हैं, उसके अलावा यहाँ पे गाइज कुछ भी नहीं किया है। तो इसे एक बार हम साइड में कर देते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ गाइज खुद के ओपिनियन की, तो गाइज बहुत अच्छा फोन है, आपको 15,500 के प्राइस में ये फोन जो है कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे आपको रेडमी रियलमी से भी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है देखने के लिए, और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जो मेमोरी है वो आपको 4GB 128GB मिल रही है 15,500 में, जहाँ पे आपको रियलमी 15,000 में 4.64 दे रहा है, वहाँ पे आपको 15,500 में 4128 मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, आपको ये फोन डेफिनेटली कंसीडर करना। 6.58 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने मिलती है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ गाइज आपको यहाँ मिलती है। उसके अलावा गाइज सबसे बढ़िया बात है परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बैटरी 5000mAh की मिलती है, 18 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे 15,500 में 5G का फोन मिल जाता है। अब आपको जो है 5G फोन ही परचेस करने चाहिए। अगर आप लोग 4G की तरफ जा रहे हैं तो अपना स्टेप थोड़ा बढ़ाएं और 5G की तरफ जाएं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको 5G फोन ही जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाले हैं एज कम्पेयर टू 4G फोन्स के मुकाबले। तो एट द एंड गाइस बात कर लेते हैं, आप लोगों में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर के लिए होने वाला है ये IQ का Z6। चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल चाहिए गाइस, क्योंकि ये फोन है ओनली आप लोगों के लिए, और ये जो है कोई कोई रिटेल यूनिट नहीं है, ये मैंने खुद अमेजोन से परचेस किया है, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए सरप्राइज गिवअवे के लिए परचेस किया है। तो यार जल्दी जल्दी जाके इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, आपको जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से प्रेस कर दो, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, थर्ड हमारे फेसबुक पेज को जाकर लाइक करना है, और फोर्थ हमारे ट्विटर अकाउंट को जाके
फॉलो करना है। फिफ्थ एंट्री गाइज ये है कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल रहा है, जाके जल्दी जल्दी उस चैनल को भी जाके फॉलो कर देना, क्योंकि उसकी एंट्री भी आपकी काउंट होने वाली है। सिर्फ आप लोगों को जाके उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। तो गाइज गिव अवे के लिए आपको सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको बताना है कि IQOO का Z6 Vivo के T1 से किस तरह डिफरेंस है, क्या ऐसे 3 चेंजेस हैं जो आपको IQOO Z6 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और वो आपको वीवो के T1 में देखने के लिए नहीं मिलते। तो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप इजीली समझ जाओगे कि मैं किन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाके दोबारा देखो और अपने क्वेश्चन के आंसर जो है क्लेम लिंक पे जाके रजिस्टर कर दो अपने। और गाइस जल्दी हमारी आने वाली है 10K स्पेशल वीडियो, तो उस वीडियो में पार्टिसिपेट जरूर करना। नेक्स्ट मंथ आपको 10K वाली वीडियो मिलने वाली है, उसमें काफी सारे सरप्राइज गिव अवे होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। नीचे में दूसरे चैनल का लिंक आ रहा है, उसे भी जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइस उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया तो जल्दी जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो होप सो आप लोगों ने IQOO Z6 की वीडियो को एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो जल्दी जाके इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन तक भी जो है IQOO Z6 की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी जो है हमारी स्टैक फैमिली का मेंबर बन सके आप लोगों के सपोर्ट से। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।